तुमने कहा वो असली हीरो है और मैं नामर्द कायम। तेरे मरने के बाद आएगा क्या वो? बुला उसे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। यही है वो? यही है। से दुश्मनी करेगा? पुरानी दुश्मनी है। तुझे एक नहीं कई बार मात दे चुका हूं। महिमा रेप केस के बाद मैंने ही वीरेंद्र के पैर काटे थे। डीजीपी के रिटायरमेंट फंक्शन पर मैंने ही तेरे आदमी को मारा। तेरे पालतू कुत्ते ओबुल रेड्डी को कुत्ते की तरह मारकर सीधा किया मैंने। तेरा हर आदमी मुझसे मार खा चुका है, सिर्फ तू ही बचा है। तू मुझे छू भी नहीं सकता। मैं एक खतरनाक ब्रांड हूं, विक्रम धनुष हूं मैं। ब्रांड 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 मेड इन जापान, टूटा या नहीं? मेड इन चाइना, टूटा क्या नहीं? मेड इन अमेरिका, चूर चूर हो गया। किसी से मुकाबला करने के लिए ब्रांड मायने नहीं रखता, दम होना चाहिए जो मुझ में ठूस ठूस के भरा है, देखेगा। दिखने में स्टाइलिश हूं लेकिन अगर तूने उससे धोखा खाया पछताएगा, बहुत पछताएगा। अगर आग से खेलेगा तो जल जाएगा। लो तुम ही करो। इतनी आसानी से नहीं मानना चाहती। हा? मैं चाहती हूँ दुनिया वालों को इसके कारनामों के बारे में पता चले। जमीन के लालच में जिस तरह इसने लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा है, इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तभी उन लोगों को न्याय मिलेगा। सही कह रही हो। इतनी आसान मौत, इसे थोड़ा और तड़पाना चाहिए। जितना दर्द इसने लोगों को दिया है, जब तक उतना ही दर्द इसे नहीं होता, मुझे चैन नहीं आएगा। इसने तो इतने पाप किए हैं कि इसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। इसे कानून सजा देगा। अरे कहाँ, इस पे केस करके 10-15 साल वेस्ट करने, अभी फैसला करते हैं।
ठीक ही किया तुमने, नसीब अच्छा था इसलिए बच गया, और बुरी मौत मरेगा। मारेंगे लेकिन कमीना है सारा। डर गई थी ना, मेरे होते हुए तुम्हें कौन छू सकता है। चलो देखो मत प्यार हो जाएगा। चलो किसी अनजान व्यक्ति ने आज सुबह सीएम के बेटे धनुष पर जानलेवा हमला किया। इसके पीछे किसका हाथ है अभी तक नहीं पता चल पाया है। हमले में सिक्योरिटी गार्ड्स भी घायल हुए हैं। अगर सीएम का बेटा ही सुरक्षित नहीं है तो सवाल ये है कि आम जनता कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस हमले के पीछे किन लोगों का हाथ है पता लगाने की कोशिश की जा रही है। स्टेट में हाई अलर्ट है। किसने मारा? मैंने सर। उसके गेस्ट हाउस में घुस के बहुत मारा। किस्मत अच्छी थी तो बच गया। नेक्स्ट टाइम। ये क्या किया तुमने? अगर हाथी पागल हो जाए तो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, मार डालना चाहिए था। उसने दोबारा हमला किया तो? आपको डर है कि वो मुझे मार देगा ना? अब जो भी होगा देखेंगे, बस आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। वो कोई भी हो, तुझे हाथ कैसे लगाया? वो मुझे जानता नहीं। डीजीपी से बात करता हूँ। धनुष अटैक केस में एक नया खुलासा हुआ है। स्वयं डीजीपी ही मीडिया को इस केस के बारे में बताएंगे। सर उस दिन धनुष के साथ क्या हुआ था? सारी दुनिया के सामने मुझे बेइज्जत करेगा, मरेगा तू। वहाँ क्या हुआ था? आप यकीन नहीं करेंगे, मैं धनुष का बहुत बड़ा फैन हूँ। बेरोजगार हूँ इसलिए मेरे पापा ने कहा कि धनुष से जाकर मिल लो, तो जॉब पाने की उम्मीद में मैं धनुष साहब के गेस्ट हाउस पहुँच गया था। धनुष ये क्या बोल रहा है बे? वहाँ गया तो वो महान आदमी फ्रूट जूस पी रहा था। वाह क्या हेल्थ कॉन्शियस लीडर है, सोचा उनके पैर पकड़ लूं पर मैं नहीं कर पाया। लेकिन अब उनकी फोटो टांग कर उस पे रोज फूल जरूर चढ़ाऊंगा। जॉब की बात की तो उस महान आदमी ने मेरी मर्जी पूछी। आई वाज स्टंड। पूछा कहाँ काम करोगे? हिताची में काम करोगे? मेड इन जापान। ड्रैगन कंपनी में काम करोगे? मेड इन चाइना। एप्पल में काम करना है? मेड इन अमेरिका। उन्होंने कहा जॉब करनी है तो दम की जरूरत नहीं है, ब्रांड ब्रांड वो यहाँ रखते हैं, यहाँ मतलब यहाँ जेब में रखते हैं। मैं आपका फैन हो गया सर। और तभी टीवी सीरियल के बीच में आने वाले एडवर्टाइजमेंट की तरह पता नहीं कहाँ से कुछ गुंडे आ गए। क्या नजारा था, धनुष के एक एक आदमी की धुलाई की उन्होंने। और हाँ उनके कुछ आदमी एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म की तरह। उनको तो उन्होंने कुत्ते जैसा मारा था। ऐसी फाइटिंग तो फिल्मों में भी नहीं होती है। मस्त पूरा पैसा वसूल हो गया सर। सारी दुनिया धनुष को एक बहादुर इंसान समझती है, सब गलत है सर। उस डरपोक ने तो उनके पैर पर गिरकर माफी मांग ली। माफी? तुझे मारने से पहले मैं नहीं मरूंगा। उनको उस तरह रोते हुए देखकर गुंडों का भी मूड ऑफ हो गया और वो लोग वहाँ से चले गए सर। क्या तुम उन लोगों को देखकर पहचान सकते हो? पहचानने की जरूरत नहीं है, मैंने उनकी फोटोज खींची है ना। देखिए इन्होंने अटैक किया था। Are you sure? 100% sure. सर कौन है ये लोग? इन लोगों ने धोया तुझे? इन लोगों को मैंने ही मारा है, गेम खेल रहा है वो। क्या तुम इन लोगों का पता जानते हो? ये पासी के गांव में रहते हैं सर। तो फिर चलो मेरे साथ। चलिए। अगर पुलिस को तेरी सच्चाई का पता चल गया तो दाल रोटी जेल के अंदर। क्या गेम खेला है वाह। उसकी तारीफ करना बंद करो और डीजीपी को फोन लगाओ। गणेश पुलिस को हमलावरों के ठिकाने पर ले जा रहा है। हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। पुलिस तो कुछ ज्यादा ही तेज है, लगता है खाकी और कैमरा दोनों मिले हैं। ये प्लानिंग पहले से की हुई है। डीजीपी मिला हुआ है, ओबल रेड्डी को फोन लगा, उसे बोल वहाँ से जल्दी निकल जाए। फोन उठा, फोन उठा।
अगर किसी ने मुझ पर हमला किया तो इसे जान से मार दूंगा। हटाओ, हटाओ सब, पीछे हटो, पीछे हटो। सर मुझे अरेस्ट कर लो सर, मैं मरना नहीं चाहता सर, सर मुझे अरेस्ट कर लो, मैं सब बताता हूँ सर। सर रिपोर्टर मैडम माइक दीजिए प्लीज, मैं बताता हूँ क्या हुआ। सच्चाई ये है कि पूरे इलाके को घेर लो, किसी ने कुछ पूछा तो गर्दन उड़ा दो। मैंने वही किया जो धनुष ने मुझे कहा। धनुष ने इस इलाके के 21 लोग मार डाले। मैं कोर्ट में स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूँ। सर मुझे अरेस्ट कर लीजिए सर प्लीज। तुम एकदम सही समय पर आए बेटा। बहुत गलत हुआ, आज से मैं इस गांव की हर माँ का बेटा हूँ। नहीं बचेगा, नहीं बचेगा।